वहाँ पे टेररिस्ट भागपुल अभी छुपा हुआ है। स्प्रिंग शेल बिल्डिंग में काफी तादाद में फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है। उस आदमी के साथ जो औरत है जिसे आप एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ समझ रहे हो वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर की पेशेंट है। वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार अभी आपने जिस मूवी का ट्रेलर देखा वो आर माधवन की 4 साल बाद बॉलीवुड में मूवी आ रही है जिसका नाम है धोखा। यार ये जो नई फिल्म आ रही है ये फुल सस्पेंस और थ्रिलर लग रही है बल्कि जबरदस्त मूवी लग रही है। यार इस मूवी का ट्रेलर से लग रहा है कि एक बंदे ने एक लड़की को किडनैप कर रखा है और बंदूक के नोक पर एक बिल्डिंग में रखा हुआ है, तो भाई इस लड़की को छुड़वाने के लिए पुलिस आ जाती है और जब आर माधवन इस लड़की को देखता है तो पता लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। तो आर माधवन पुलिस को बताता है कि इस लड़की की मेंटल हालत ठीक नहीं है बल्कि ये मेंटल पेशेंट है और लग ये रहा है कि इस मूवी में विलन ये लड़की ही है। खैर इस मूवी की स्टोरी दमदार लग रही है। यार इसको जो नरेट करने का तरीका है इस स्टोरी में वो ट्रेलर में बड़ा ज़बरदस्त दिखा रखा है, मतलब कुछ सच और झूठ की कहानी दिखाई हुई है। तो भाई इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है ये नहीं पता, यही मूवी का प्लस पॉइंट होने वाला है। मुझे लगता है कि ये मूवी पूरी बेस होने वाली है हीरोइन पर जिसे नेगेटिव रोल में दिखाया गया है। इस मूवी में लीड रोल में आर माधवन के साथ जो नई हीरोइन है इसका नाम है कौशली कुमार। यार ये मूवी तो देखनी बनती है। ये मूवी रिलीज होगी 23 सितंबर 2022 को।